Assalamu alaikum, my YouTube family. How are you? Hope so you are doing well. Again, I'm here with an exciting lecture about punctuation. Today we will discuss about the third part we have done, or first and second part. In that parts we discussed about full stop and कैपिटल लेटर्स, कॉमा और बहुत ही ज़्यादा हमने उसमें उन चीज़ों को एक्सप्लेन किया. अभी हमारा ये थर्ड लेक्चर है, हम इसमें डिस्कस करेंगे कोटेशन मार्क्स को. लेकिन उससे पहले हम लोग चलेंगे अपनी डेफिनेशन की तरफ अगेन से, जाके जो बंदा पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहा है उसको ये थोड़ा सा पता चल जाए कि पंक्चुएशन एक्चुअली है क्या. अगर आप पहले आदमी हैं जो कि अभी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल. एंड अगर आपको और भी ज़्यादा वीडियोस देखनी हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड या फिर पंक्चुएशन से रिलेटेड, तो आप हमारे इसी प्लेलिस्ट में पीछे वाली वीडियोस देख सकते हैं. तो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड स्टार्ट आवर लेक्चर. तो चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ. सो व्हाट इज़ पंक्चुएशन? इन स्पीकिंग वी यूज़ पॉजेज एंड द पिच of the voice to make what we say clear. Punctuation plays a similar role in writing, making it easier to read. अब हम लोग जब बोलते हैं तो हम लोग पॉज लेते हैं, सांस लेते हैं, कहीं पर रुक जाते हैं, कहीं पर हम अपने आवाज़ के, हमारे आवाज़ में उतार चढ़ाव आते हैं, कहीं पर हम ऊँचा लाउड बोलते हैं ताकि आपकी बात, अपनी बात को बता सके कि हम एक्चुअली ये कहना चाहते हैं. ये वाली ज़्यादा, इस बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा जोर देते हैं, जो कम इंपॉर्टेंट होती है उसको कम जोर देते हैं. तो ये जो है हम लोग बोलते हुए ये वाली टोन यूज़ करते हैं. लेकिन ऐसे जब हम लोग लिखते हैं, तो लिखते हुए जब राइटर्स जो हैं अपनी राइटिंग्स को खूबसूरत बनाने के लिए और उसमें अपने रीडर्स को बताने के लिए कि कौन सी बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कैसे उन्होंने राइटिंग को खूबसूरत बनाना है, तो ये सारी चीज़ें जब हम लोग राइटिंग में लेके आते हैं तो इसको पंक्चुएशन कहते हैं. Punctuation consists of both rules and conventions. There are rules of punctuation that have to be followed, but there are also punctuation conventions that give writers greater choice. अब conventions, writing conventions में आ जाते हैं, spelling आ जाते हैं, capital letters आ जाते हैं, punctuation आ जाती हैं. Convention, writing conventions actually हमारे mechanical होते हैं करेक्टर्स. जैसे हम लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे हों तो हमें जो है ना वो एक फैसिलिटी मिल जाती है कि खुद बहुत हमें पता चल जाता है यहाँ पे पंक्चुएशन की मिस्टेक है, यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक है, यहाँ पे कैपिटल लेटर नहीं ठीक लिखा हुआ. तो ये सारे क्या होते हैं, कन्वेंशन एंड रूल्स होते हैं. द मोस्ट कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स इन इंग्लिश आर कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमास, कॉलन एंड सेमी कॉलन, एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड कोटेशन मार्क्स. सो हम लोग ने क्या डिस्कस कर लिए थे, हमने कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप को कर लिया है डिस्कस, हमने कॉमा को डिस्कस कर लिया. तो आज के लिए लेक्चर है उसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन मार्क्स को और कॉलन को डिस्कस करेंगे. तो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड स्टार्ट आवर लेक्चर. तो चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ. कोटेशन मार्क्स इन इंग्लिश आर, ये सिंगल देखें, इधर मैंने निशान लगाया हुआ है, दो सिंगल हैं कॉमास की तरह के और डबल भी हैं. इन डायरेक्ट स्पीच वी इनक्लोज व्हाट इज सेड विद इन अ पेयर ऑफ सिंगल और डबल कोटेशन मार्क. सिंगल कोटेशन मार्क भी और डबल कोटेशन मार्क के अंदर भी हम अपनी वो बात कहते हैं कि जिसको हमने ज़्यादा डायरेक्ट सिंगल डायरेक्ट स्पीच, यानी कि जो हम डायरेक्टली बात करते हैं उस पर जोर दे रहे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है. एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर, वेयर कैन वी फाइंड अ नाइस इंडियन रेस्टोरेंट. शी सेड, उसने कहा, वेयर कैन वी फाइंड अ नाइस इंडियन रेस्टोरेंट और वेयर कैन वी फाइंड द नाइस इंडियन रेस्टोरेंट, ये एक डायरेक्ट स्पीच है, इसको हम कोटेशन मार्क्स में लिख देंगे. और शी सेड वेयर कैन वी फाइंड अ नाइस इंडियन रेस्टोरेंट. अब देखें जो शी सेड है वो हमारी डायरेक्ट स्पीच नहीं है, ये है रिपोर्टेड स्पीच. मेन चीज़ शी सेड, उसने कहा वेयर कैन वी फाइंड अ नाइस इंडियन रेस्टोरेंट, तो ये क्या है, एक डायरेक्ट स्पीच है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच में कोटेशन मार्क्स लगा देंगे. वी कैन पुट द रिपोर्टिंग क्लास इन थ्री डिफरेंट पोजिशन, नोट द पोजिशन ऑफ कॉमा एंड फुल स्टॉप हेयर. द फिटनेस ट्रेनर सेड डोंट ट्राई टू डू मच व्हेन यू बिगेन. अब देखें, वी कैन पुट द रिपोर्टिंग क्लास इन थ्री डिफरेंट पोजिशन, नोट द पोजिशन ऑफ कॉमा एंड फुल स्टॉप हेयर. अब आपने देखें डोंट ट्राई टू डू मच when you begin, quotation mark after comma introducing speech and after full stop. अब यहाँ पर quotation mark क्या है, after comma. That fitness trainer said, इसके बाद comma आया है, ठीक है, सबसे नीचे ये देखे, the fitness trainer said comma आया है, quotation mark after comma introducing speech and
आफ्टर फुल स्टॉप स्पीच है, यानी डायरेक्ट स्पीच है, डोंट ट्राई टू डू मच व्हेन यू बिगिन, ये पूरी स्पीच है डायरेक्ट स्पीच, उसके बाद कॉमा आ गया, सही। तो आपने क्या लगाना है, बस आपने याद रखना जब भी कोई डायरेक्ट स्पीच होगी तो आपने कोटेशन मार्क लगाना है उसके बाद, और कहाँ भी कोटेशन मार्क्स यूज़ होते हैं। डोंट ट्राई टू डू मच व्हेन यू बिगिन द फिटनेस ट्रेनर सेट कॉमा बिफोर क्लोजिंग कोटेशन मार्क, कॉमा किसके बाद आया, कोटेशन मार्क क्लोजिंग के बाद आया। डोंट ट्राई टू, अब डायरेक्ट स्पीच पहले आ गया, द फिटनेस ट्रेनर सेट ये बाद में आया, तो आपने द डोंट ट्राई टू मच व्हेन यू बिगिन ये कोटेशन मार्क के अंदर आया, इसके बाद आपने कॉमा लगाना है द फिटनेस ट्रेनर सेट। डोंट ट्राई टू डू मच द फिटनेस ट्रेनर सेट व्हेन यू बिगिन कॉमा सेपरेटिंग द रिपोर्टिंग क्लास, अब इसने रिपोर्टिंग क्लास को चेंज किया है कॉमा ने। डोंट ट्राई टू डू मच, अब ये ज़्यादा करने की कोशिश मत करो, कॉमा लगाया, द फिटनेस ट्रेनर सेट कॉमा लगाया, व्हेन यू बिगिन और फिर जो है ना इसके बाद कॉमा हमने इसके कोटेशन मार्क लगा के उसके बाद इसको बंद कर दिया, यानी कि फुल स्टॉप लगा दिया। व्हेन वी यूज डायरेक्ट स्पीच, हम डायरेक्ट स्पीच कब यूज़ करते हैं, इनसाइड डायरेक्ट स्पीच वी यूज़ इधर सिंगल कोटेशन मार्क इनसाइड डबल कोटेशन मार्क और डबल कोटेशन मार्क्स इनसाइड सिंगल कोटेशन मार्क, यानी कि एक ही सेंटेंस के अंदर हम लोग जब पूरा सेंटेंस लिखते हैं ना तो उसके वो सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर वाले सेंटेंस के अंदर हम डबल कोटेशन मार्क्स भी यूज़ कर सकते हैं और डबल कोटेशन मार्क के अंदर हम सिंगल कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं। जैसे अगर द सेकेंड टाइम पर देखें, एग्जाम्पल है, इट वॉज गेटिंग रियली कोल्ड ही सैड एंड दे वर सेइंग व्हेन कैन वी गो बैक होम, अब देखें इट वॉज रियली गेटिंग रियली कोल्ड, अब डबल कोटेशन मार्क है, ही सैड उसने कहा, एंड दे वर सेइंग व्हेन कैन वी गो बैक होम, अब व्हेन कैन वी गो बैक होम इसमें हम लोग सिंगल कोटेशन मार्क लगा दिया। जाया सैड दे वर गेटिंग रियली एक्साइटेड एंड वर शाउटिंग का मॉन, जाया सैड दे वर गेटिंग रियली एक्साइटेड एंड वर शाउटिंग, सिंगल कोटेशन मार्क उसके अंदर ही हमने डबल कोटेशन मार्क का मॉन के अंदर लगा दिया। आगे ये भी कोटेशन, व्हेन वी कॉमनली यूज कोटेशन मार्क इनसाइड द कोटेशन मार्क्स अनलेस द कोटेशन इज पार्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लास, व्हाई डोंट दे नो हु इज रिस्पॉन्सिबल, अब ये देखे कोटेशन मार्क आ गया, दे आस्क्ड, वी कॉमनली यूज क्वेश्चन, अच्छा वी यूज कॉमनली यूज क्वेश्चन मार्क इनसाइड द कोटेशन मार्क, हम लोग जो है ना इनसाइड अनलेस द क्वेश्चन इज पार्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लास, ठीक है रिपोर्टिंग क्लास का हिस्सा हो, रिपोर्टेड स्पीच जो है अगर वो रिपोर्टिंग क्लास का हिस्सा, तो हम रिपोर्ट, अगर आपने नरेशन पढ़ी हुई है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो दे आस्क ये क्या होंगी, रिपोर्टिंग क्लास होगी, दे सैड आस्क्ड उनने कहा, अब जो है ना अगर ये क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क वाला जो क्वेश्चन वाला जो हिस्सा होगा ना उसको हम रिपोर्टेड स्पीच में लिखेंगे। सो डिड दे रियली से वी विल विन एवरी मैच फॉर द नेक्स्ट 3 वीक्स, सो डिड दे रियली से, अब ये क्या है रिपोर्टेड रिपोर्टिंग क्लास है, रिपोर्ट कह रही है ना, दे विल रियली से वी विल विन, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, वी विल विन एवरी मैच फॉर द नेक्स्ट वीक, तो ये हम लोग इसमें कोटेशन मार्क में लगाएंगे अगरचे ये क्वेश्चन मार्क भी इधर लगता है फिर भी, ठीक है। तो आपने इनको ध्यान से पढ़ लेना है क्वेश्चन मार्क्स को, ये कहाँ कहाँ पर लगते हैं। इसके अलावा कोटेशन मार्क्स का आजकल यूज़ वो हो रहा है टू एम्फसाइज टाइटल्स ऑफ वर्क्स, लाइक आप लोग कोई एज बुक पोइम या कोई शॉर्ट स्टोरी या आर्टिकल लिखते हैं तो आप इनको उसमें भी लिख सकते हैं, द फर्स्ट पोइम इज़ बुक इज कॉल्ड एथिनाज बर्थ, तो जो मतलब जिससे रिलेटेड होगी वो आप कोटेशन मार्क में लिखेंगे। उसके बाद लॉन्गर वर्क में भी आप लिख सकते हैं कोटेशन मार्क्स, उसके बाद बुक्स के टाइटल के बारे में भी, टाइटल में भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो स्मॉलर पीस ऑफ वर्क्स हों, अगर आप ये कह रहे हैं लेट्स से यू वांट टू राइट द टाइटल ऑफ द आर्टिकल और बुक चैप्टर, तो आप लिख सकते हैं डिड यू रीड द न्यूज़पेपर आर्टिकल शॉक्स इटन मैन, आगे कोई भी बुक हो उससे रिलेटेड। तो कोटेशन मार्क्स आपने बस जो दूसरी चीज़ याद रखनी है कि कोटेशन मार्क्स हम लोग डायरेक्ट स्पीच के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और आपने कोई डायरेक्टली बात करनी हो और उसके बाद और आपने ये याद रखना है, वी आल्सो यूज़ सिंगल कोटेशन मार्क टू ड्रॉ अटेंशन टू अ वर्ड, किसी एक वर्ड की तरफ अटेंशन ड्रॉ करने के लिए भी आप सिंगल कोटेशन मार्क का यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ कोटेशन मार्क इन दिस वे व्हेन वी वांट टू क्वेश्चन द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बाय हिज
अपॉलोजी आई डोंट थिंक ही मीन इट एट ऑल, मतलब कि मैं उसकी माफ़ी की तरफ से बड़ा नाउमीद हूँ, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता ही मेंट या मतलब उसको कोई फ़र्क पड़ेगा। तो अपॉलोजी को हमने एक सिंगल वर्ड की तरफ ड्रॉ करनी है अटेंशन, तो हम यहाँ पे कोटेशन मार्क लगा सकते हैं, न्यू वॉर ओवर नॉर्थ सी फिशिंग प्लान्स। अब न्यू वॉर, वॉर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक पर्टिकुलर है, स्पेशल वर्ड है, तो आप इसके गिर्द आप क्या कर सकते हैं, सिंगल कोटेशन मार्क लगा सकते हैं एक वर्ड की तरफ अटेंशन ड्रॉ करने के लिए भी। उसके बाद वही सेम यही है कि वी समटाइम यूज़ कोटेशन मार्क टू रिफर टू द टाइटल ऑफ बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन, फिल्म, सॉन्ग, पोएम, वीडियो, सीरीज एट्सेट्रा, देयर आर स्पेशल रिपोर्ट ऑल अबाउट इट इन द डेली मेल। वी कैन यूज इटैलिक्स इंस्टेड ऑफ कोटेशन मार्क्स फॉर दिस साइटेशन, दिस स्पेशल रिपोर्ट ऑल अबाउट इन द डेली मेल। ठीक है जी, आपने बस जो चीज़ याद रखनी है वो थी सिंगल कोटेशन मार्क कहाँ पे लगना है, डबल कोटेशन मार्क कहाँ पे लगना है, उसके बाद कॉमास के अंदर डबल कोटेशन, जब हम लोग, एक बात आपने याद रखनी है क्योंकि मेन डिफरेंस है डबल कोटेशन मार्क और सिंगल कोटेशन मार्क का। द मेन डिफरेंस बिटवीन डबल क्वेट्स एंड सिंगल कोटेशन इज डबल क्वेट्स आर यूज टू डोनेट अ स्पीच और कोटेशन, वेयर सिंगल क्वेट्स आर यूज टू इंडिकेट क्वेट विद अ कोटेशन। यानी कि एक पूरी कोटेशन है, ठीक है, आपने उसके अंदर जो है ना एक कोटेशन डालनी है, तो वो जो क्या होगी उसके साथ हम सिंगल कोटेशन मार्क लगाएंगे। जैसे देखें, शी टोल्ड मी आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन ही सेड, शी टोल्ड मी रिपोर्टेड स्पीच है ना। अगर आपने डायरेक्ट इन डायरेक्ट पढ़े ना तो आपको रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच का पता होगा। शी टोल्ड मी रिपोर्टेड स्पीच है, एक रिपोर्ट कर रहा है। अब शी टोल्ड मी आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन, ये पूरा डबल कोटेशन मार्क के अंदर आएगा। लेकिन अब देखिए, शी टोल्ड मी रिपोर्टेड स्पीच है, अब रिपोर्टिंग स्पीच पे जब हम आएंगे, जिसको डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन, इसको हम सिंगल कोटेशन मार्क में लिखेंगे, लेकिन जब ये ख़त्म हो जाएगी तो हम डबल कोटेशन मार्क भी लिख देंगे। ठीक है, ही सेड, उसने कहा। तो क्या है, जब हम लोग क्या करते हैं, जनरली डबल क्वेट्स आर यूज टू डोनेट डायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट स्पीच को करते हैं, लेकिन सिंगल क्वेट्स आर यूज टू इनक्लोज अ क्वेट विद अन अ क्वेट विद अन अ हेडलाइन और अ टाइटल विद अन अ क्वेट। ठीक है, और उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक और पर्टिकुलर वर्ड को भी करने के लिए हम सिंगल कोटेशन मार्क का यूज़ करते हैं। उसके बाद आप इनको, इन जो ये मैंने स्लाइड्स पुट की हुई हैं, इनको अच्छी तरह से पढ़ लें, एक दो दफ़ा पढ़ लेंगे तो आपको खुद बहुत ही समझ आ जाएगी। इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा गूगल से सर्च करें अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं, क्योंकि ये लेक्चर्स बहुत बहुत लंबे हैं, इनके बहुत ज़्यादा, इंग्लिश एक बहुत डीप लैंग्वेज है। आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो आपको उसको और ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा। तो मैं जैसे हर बार कहती हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्लीज़ प्रैक्टिस करें, इनको बार बार सुनें, इनको बार बार पढ़ें, ताकि आप लोग भी इसमें मास्टर बन सकें। तो ये था आज का लेक्चर, होप सो आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड देखते रहिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।